Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to my YouTube channel Dipanjan's Blog. Today is 6th of July 2021 and abhi time ho raha hai subah ke 9:08:56. बहुत दिनों से भाई प्लानिंग चल रहा था एक लंबा ट्रिप के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा था. एज ऑल यू नो दैट बाहर का सिचुएशन बहुत ही ख़राब है बिकॉज ऑफ कोविड. और अभी तो नया कार भी आ चुका है, परी आ चुका है घर में. परी को ऐसे ही खड़ा करके रखने में हम लोगों को देखने में बहुत ही ख़राब लग रहा है. तो बाहर का सिचुएशन अभी थोड़ा बहुत सुधार आया है, थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन लागू किया है सभी स्टेटों में और वेस्ट बंगाल में भी. सो हम लोगों ने सोचा एक छोटा मोटा, ज़्यादा लंबा नहीं, एक छोटा मोटा ट्रिप मार के आते हैं. बिफोर द ट्रिप वी हैव टू डू टू थिंग्स जो बहुत ही ज़रूरी काम है. एक गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अभी तक हुआ नहीं, उसको बनाना पड़ेगा. और दूसरा है कोविड का नेगेटिव सर्टिफिकेट, ये मस्ट कर दिया है सभी स्टेटों में. उत्तराखंड और हिमाचल तो स्ट्रिक्टली बोल दिया है कोविड 19 का नेगेटिव सर्टिफिकेट आप लोगों को कैरी करना है, बट अदर्स जो स्टेट है उसमें क्लियरली बोला नहीं है. लेकिन आप खुद का स्टेट से दूसरे किसी स्टेट में जाते हो या दूसरा कोई स्टेट से वापस अपने स्टेट में आते हो यानी वेस्ट बंगाल में बैक करते हो, तो कोविड 19 का नेगेटिव सर्टिफिकेट, आरटीपीसीआर का नेगेटिव सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरत है. तो अभी हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में, पहले जाएंगे देखते हैं कौन सा काम आप पहले करते हैं, क्योंकि जो पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट बनाते हैं वो भी नज़दीक है और डायमंड हार्बर का जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो भी नज़दीक है. यहाँ से पाँच छः मिनट लगता है पैदल, तो जो भी पहले होगा वो वही काम करवा लेंगे. तो पहले मास्ट है आरटीपीसीआर का टेस्ट करवाना, क्योंकि नेगेटिव सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है. अभी तो 9 बज रहे हैं, आधा घंटे के अंदर 9:30 या 10 बजे के अंदर हम लोग घर से निकल जाएंगे. इस ट्रिप में जो जो जा रहे हैं सभी को मैंने बोल दिया है फ़ोन करके, जे भाई कोविड का नेगेटिव सर्टिफिकेट बना लो. कोविड का जो आरटीपीसीआर वाला टेस्ट होता है वो तो आज हो जाएगा, लेकिन सर्टिफिकेट या रिजल्ट तो अभी नहीं देगा, एक दो दिन इसके लिए वेट करना पड़ेगा. तो ठीक है, फ़ोन में SMS आ जाएगा. तो हम लोग जब बॉर्डर क्रॉस करेंगे वेस्ट बंगाल का, तब आई थिंक दैट विल बी ओके, वी कैन मैनेज. सो देखते हैं कितने बजे यहाँ से निकलते हैं, बहुत जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा प्लानिंग अभी बाकी है. हम लोग कहाँ जा रहे हैं मैं अभी तो इस ब्लॉग में नहीं बताऊँगा, इसके लिए आप लोगों को दूसरा ब्लॉग में इंतज़ार करना पड़ेगा. बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हम लोगों का अभी तक फाइनल कुछ हुआ है नहीं जो हम लोग जा कहाँ रहे हैं. सो मीट ऑन GoPro, मीट ऑन परी. আর জমাটা কখন দিতে হবে? আইডির সময় যদি আমি করতে চাই হয়ে যাবে তো? লাগবে তো চারটে, চারজন আছি তো, চারটে তা চারটে দিয়ে দিন, আমরা ফিল আপ করে তখন না আমি নিয়ে চলে আসবো. अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट निकालने के लिए. हम लोग गए थे हॉस्पिटल में कोविड का टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन वो लोग बोला है 2 बजे के बाद 2:30 बजे के बाद आने पर भी हो जाएगा. सेकंड हाफ में एक फॉर्म दिया है, उसको फिलअप करके उसी वक्त हम लोग जमा कर देंगे और 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर हो जाएगा. तो सोचा अभी इसका पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट निकाल लेते हैं, क्योंकि 2 या 2:30 बजे के बाद पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट जो बनाते हैं वो खुला नहीं रहेगा, सुबह ही खुलता है. तो इसलिए चले आए. तो पहले जाएंगे, ओ भाई साहब ये डायमंड हार्बर का कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है. आगे दिखाओ भाई, दिखाओ कैसे ट्रैफिक है, इतना सारा टोटो, इतना सारा ऑटो. फिलहाल यहाँ पे तो ऑटो नहीं है, ऑटो दूसरी तरफ चलता है, किंतु यहाँ पे बहुत ज़्यादा टोटो है. फिलहाल तो छोटा मोटा लॉकडाउन अभी चालू है, इसलिए फिर भी जैम है. लेकिन जब एक्चुअल ऑफिस आवर्स या स्कूल आवर्स होता था
तब बहुत ज्यादा जाम लगता था, एक घंटा डेढ़ घंटा ऐसे ही खड़ा रहना पड़ता था। भाई मसला कुछ दूसरा बन गया है, मैं तो आ गया हूँ पॉल्यूशन टेस्ट करवाने के लिए गाड़ी का, पर लेकिन ये लोग जो बोल रहा है स्मार्ट हाइब्रिड जो इंजन है मारुति सुजुकी का, तो उसको सेंस करने के लिए दूसरा कुछ सेंसर लगता है, तो इन लोगों के पास वो वाला है नहीं, तो उन लोगों ने बजवज के पास ऐसा कुछ बोला है एड्रेस जाने के लिए माचेरा ब्रिज के आसपास कुछ होगा, तो ये वेरी प्रॉब्लमेटिक बन चुका है। अभी मुझे निकलने का था और अभी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लेकर इतना परेशानी हो रहा है, और ये लोग बोल रहा था मेरा मोबाइल नंबर ये लिया है, जाना पहचाना हुआ था मेरा, पहला जो गाड़ी था और बाइक का पॉल्यूशन मैं यहाँ से ही करवाता हूँ हमेशा, तो उन्होंने मोबाइल नंबर ले लिया है, बोला है थोड़ा वेट करने के लिए ये दूसरा कुछ तरीके से पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट निकाल के देगा, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा लग सकता है, लेट्स सी क्या होता है, वो इन्फॉर्म करेगा बोला है। मैं यहाँ पे गाड़ी को छोड़ के अभी जा रहा हूँ, बैंक में थोड़ा छोटा मोटा काम है उसको निपटा के उसके बाद देखते हैं कितने बजे फ़ोन कर, उसके बाद मैं फिर से वापस आ जाऊँगा, देखते हैं क्या प्लान बनता है आगे, लेट्स सी। দাদা থ্যাংক ইউ, তাহলে এক বছর পর যখন আসবে ফোন করে নেবো তোমার। ওকে হ্যাঁ আমি সেভ করে নিয়েছি। ওকে সো ফাইনালি পলিউশন কা সার্টিফিকেট হম লোগো কো মিল গিয়া হ্যায়। एक्चुअली ये स्मार्ट हाइब्रिड वाला जो जो गाड़ी अभी निकाला है मार्केट में, वो जो जहाँ पे पॉल्यूशन टेस्ट करवाते हैं उन लोगों के पास एक स्पेशल सेंसर होता है, वो गाड़ी का किसी भी पार्ट्स में उसको अगर फिट कर दें तो गाड़ी का आरपीएम दिखा देता है वहाँ पे, नहीं तो पहले क्या करता था बैटरी में जो आम गाड़ियाँ है नॉर्मल गाड़ियाँ वहाँ पे बैटरी में कुछ क्लिप फ्लिप लगा के वहाँ से आरपीएम को सेंस करते थे, लेकिन स्मार्ट हाइब्रिड का जो टेक्नोलॉजी है वो वैसे नहीं होता, आरपीएम शो नहीं करेगा, तो इन लोगों ने कहाँ पर पता नहीं कहाँ पे फ़ोन किया भाई निकल दिया, मेरा काम हो गया भाई बहुत खुश, तो चलो यहाँ से पहले निकलते हैं। आप कहाँ पे जाओगे? घर? घर। ओह तो अभी प्लानिंग है घर जाने का, उसके बाद आरटीपीसीआर के टेस्ट के लिए 2 या 2:30 बजे निकलना पड़ेगा। कितना टाइम हो रहा है अभी? 11:07, तो अभी टाइम है 3 घंटे बाद, देखते हैं क्या प्लान बनता है, लेट्स सी। सो अभी टाइम हो रहा है शाम की 6:30, 6:44 एक्चुअली, और सुबह से जो जो काम हम लोगों ने किया, पहले तो गाड़ी का पोल्यूशन टेस्ट करवाना था, उसके बाद आरटीपीसीआर का टेस्ट करवाना था, ऑल दिस थिंग्स आर द फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द नेक्स्ट ट्रिप। एक्चुअली हम कल निकल रहे हैं एक लंबा ट्रिप के लिए, तो उसके लिए पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि नया गाड़ी है। कई लोग बोलते हैं कि नया गाड़ी का पोल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं लगता है, 2-3 महीने ऐसा कुछ ग्रेस पीरियड रहता है, लेकिन दिस थिंग्स इज़ नॉट ट्रू, किसी जगह पे भी वो लोग मांग सकते हैं ऑफिशियल्स। सो वो टेस्ट पोल्यूशन का सर्टिफिकेट मिल चुका है और आरटीपीसीआर का भी हम लोगों ने सैंपल जमा कर दिया है, उम्मीद करते हैं कल हम लोगों का रिपोर्ट आ जाएगा कल शाम तक, लेट्स सी क्या होता है। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, सो टिल देन आप लोग बहुत बढ़िया से रहिएगा एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। बाय 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 बाय।